दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्म विजारवाल और ये है गुलाब सिंह। दोस्तों गुलाब सिंह उत्तम नगर के मटियाला विधानसभा के विधायक हैं, एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी से हैं। कल सरेआम खुलेआम सबके सामने एक महिला ने गुलाब सिंह जी की चप्पल से पिटाई कर दी। ये वीडियो बकायदा सोशल मीडिया में वायरल हुआ और खूब जमकर वायरल हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे भैया एक विधायक को एक महिला ने पीट दिया तो गलत बात है, बिल्कुल सही है। और किसी के ऊपर इस तरीके से हाथ उठा देना मैं ये मानता हूँ कि गलत है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसको आपको बताना चाहिए, पर किसी के ऊपर भी इस तरीके से हाथ छोड़ देना ये गलत चीज है। पर हैरान की बात ये भी है कि इस महिला ने गुलाब सिंह जो विधायक है उनकी पिटाई क्यों की, और एमएलए जो कि देखा जाए तो दिल्ली के एमएलए वो अपने आप में बड़े पावरफुल बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि जो राजनीति है उसके अंदर ऐसे ही लोग विधायक या एमएलए बनते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे समाज में या लोगों के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं, या सीधे तौर पर कहूँ तो जो बदमाश या क्रिमिनल टाइप के लोग ही होते हैं वही अक्सर एमएलए विधायक बनते हैं। सभी के लिए बात नहीं, पर काफी हद तक ऐसा देखा गया कि जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही आगे चलकर एमएलए बन पाते हैं। खैर, कल गुलाब सिंह जी को एक महिला ने चप्पल मार दिया, और चप्पल मारा इसलिए पिटाई की क्योंकि वो महिला बहुत दुखी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां वो रहती है मटियाला के अंदर, उस रोड का क्या हाल है। इस रोड पे पैदल चलना तो बहुत बुरा हाल है, मतलब पैदल चलना तो आप सोच ही नहीं सकते इस रोड के ऊपर, और गाड़ी लेकर अगर जानी हो तो आप खुद इस रोड की हालत देख के सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी जब आप इस रोड पे गाड़ी लेके जाएंगे। दोस्तों आम आदमी पार्टी जो कि पिछले लगभग 10-12 साल से दिल्ली की सत्ता में है और खूब बड़े बड़े दावे करती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने स्कूल बढ़िया कर दिए, हमने हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए। दिल्ली की राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल खुद ये दावे क्या करते थे कि दिल्ली को बिल्कुल पेरिस बना देंगे, या कि सड़कें बिल्कुल पेरिस जैसी होंगी, जबकि हालात क्या आप देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर आज भी एक दिन की बरसात में जगह जगह झीलें बन जाती हैं और दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये भी है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, और दिल्ली से बाहर के रहने वाले लोग जो अन्य राज्यों में रहते हैं उनको लगता है कि दिल्ली में सभी नेता रहते हैं तो यहाँ पे हर तरह की सुख सुविधा यहाँ के लोगों को मिलती होगी, यहाँ के रोड बिल्कुल बढ़िया चकाचक होंगे, पर इन सबके विपरीत है। दिल्ली के अंदर एक एक सांस लेना मुश्किल है आज के समय में, पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है। जमुना जी की मैं क्या ही बात करूँ, जमुना जी के ऊपर कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि जमुना जी के अंदर बकायदा इस बार बर्फ, झागनुमा बर्फ जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली की जो यमुना है वो इतनी जहरीली हो गई है कि अब तो उसके अंदर लोग स्नान भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी दिवाली पास में छठ पूजा आने वाली है और इसी यमुना के अंदर पूर्वांचल के लोग छठ पूजा करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए ऐसे जहरीले पानी के अंदर लोग अगर पूजा करेंगे तो उनकी हालत क्या होगी। इस पानी को अगर आप अपने शरीर के ऊपर डाल लेंगे तो आपको 100% स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। करोड़ों रुपए हर साल यमुना जी के नाम पे भारत दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की जो सरकार वो खर्च करती है, परंतु दिख क्या रहा है। आप देख सकते हैं दिन ब दिन जो यमुना है और नदी है, पवित्र नदी जिसको बोलते हैं, वो एक नाले का रूप लेती जा रही है। दुनिया भर की गंदगी इसके अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा ही फेंकी जाती है। दोस्तों आज यमुना जी का यह हाल हो गया कि उसके पानी पीने योग्य तो किसी हालत पे है ही नहीं, आप उसमें स्नान भी नहीं कर सकते। इसी तरह दिल्ली में रोज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, रोज इनकी आतिशी जो है हमारी नई मुख्यमंत्री वो रोज मीटिंगें करती हैं, मीटिंग तो खूब जम के करती हैं पर उस मीटिंग में रिजल्ट क्या निकलता है। दिल्ली वालों को इतने भयंकर पोल्यूशन से कब निजात मिलेगी, इसका कोई प्लान इनके पास नहीं है। दिल्ली की सड़कों का यह हाल है कि अब इनके एमएलए इनके निगम पार्षद बकायदा पिटने लग गए हैं, लोग उनकी कुटाई करने लग गए हैं रोड के ऊपर। तो इस तरह की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली के लोगों ने अब आम आदमी पार्टी को किनारे करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको दिख गया कि इन्होंने जो वादे किए थे, जो ये दावे किया करते थे, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी थी, जो ड्रामेबाजी रोज मीडिया के सामने करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।